वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, लगभग 7 दिन की गैप लेने के बाद हम वापस आ चुके हैं। अब ये गैप हमने क्यों लिया था इसके बारे में ना बताए तो ही बेहतर है, क्योंकि ये पर्सनल था। अब इस पर्सनल को पर्सनली रहने देते हैं, बात करते हैं आज की इस वीडियो के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम जो मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है दी आइस रोड, जो कि एक हॉलीवुड की मूवी है और वो रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हुई है। तो इस मूवी को देखने के बाद ये मूवी मुझे कैसा लगा है, ये मूवी आपको देखना चाहिए भी ना चाहिए, यही सब के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा बात ना करते हमारे आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दी आइस रोड, जो कि साल 2021 में रिलीज हुई हॉलीवुड की एक्शन एडवेंचर थ्रिलर फिल्म थी, जिसके लीड रोल आपको नजर आएंगे लियाम नेसन, एम्बर मिड थंडर, बेंजामिन वॉल्कर के अलावा और भी काफी सारे कलाकार। बात करें दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट कौन किया, तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था जोनाथन हेंसलिक ने। अब दोस्तों बात करिए फिल्म मुझे कैसा लगा भाई, फिल्म मुझे अच्छा लगा है, मतलब कि उतनी ज्यादा अच्छा नहीं लेकिन अच्छा लगा है। अब इसके पीछे कुछ रीजन है, तो अगर आप इस रीजन को जानना चाहते हैं तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहे। तो पहले बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में, मैं यहाँ पर स्पॉइलर नहीं दूंगा लेकिन मैं आपको थोड़ी बहुत आइडिया देता हूँ। दोस्तों देखिए, फिल्म की कहानी कुछ ऐसा है भाई, कनाडा में एक प्लेस है जिसका नाम है कटका। अब वहाँ पर एक कंपनी माइनिंग कर रहे है, वो भी बर्फ के नीचे। दोस्तों माइनिंग करते टाइम कुछ ऐसा घटते जिसकी वजह से उसी बर्फ के नीचे कुछ बंदे जिंदा फंस जाते हैं। अब उनको कैसे बाहर निकलना चाहिए, इसकी वजह से कुछ चीज की जरूरत पड़ती है उन लोगों को वहाँ से बाहर निकलने के लिए। और वो सारे चीज को माइक, जो कि इस फिल्म का लीड एक्टर है, वो अपने क्रू के साथ मिलकर बर्फ के रास्ते से लाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों की बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वो भी ट्रक से। आखिर में जाकर क्या माइक और उसके क्रू मेंबर्स उसी ट्रक को क्या अपनी मंजिल तक पहुंचा पाते या फिर ना पाते, यही सब चीजों को जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ती है। दोस्तों देखिए, इस मूवी की स्टोरी के अंदर आपको एक चीज को छोड़ के बाकी ऐसा कोई भी नयापन देखने के लिए नहीं मिलेगा, वो चीज इस मूवी की ट्रेवलिंग थी। दोस्तों क्योंकि इस मूवी के अंदर आपको जो ट्रक पहुंचाने के काम करते हैं, यानी कि माइक जो काम करते हैं वो काम कैसे करते, उस चीज में आपको थोड़ी बहुत नयापन देखने के लिए मिलेंगे। बाकी ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसमें आपको कोई नयापन या फिर बोला जाता है हाँ ये चीज थोड़ी डिफरेंट है ऐसा देखने के लिए मिलेगी। यानी कि बेसिकली एक रेस्क्यू मिशन के अंदर जो सारी चीज घटती है, जैसा जैसा चीजें घटती है, एकदम सेम टू सेम आपको इसी मूवी के अंदर भी देखने के लिए मिलेंगे। वही पर पहले बात करें इस मूवी की स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी की स्टोरी के हिसाब से इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले था वो काफी स्लो था दोस्तों, जिसकी वजह से कई कई सीन है जहां पर आपको बोरिंग फील आता है और आपको ऐसा लगता है कि भाई सीन यहां पर ना होता तो भी चलता, फिर भी इन लोगों ने यहां पर डाल दिया। बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी और इस मूवी की वीएफएक्स की, तो इस मूवी का जो सिनेमेटोग्राफी था वो काफी अच्छा था, लेकिन इस मूवी का जो वीएफएक्स यूज किया गया है इसमें मुझे थोड़ी कमी फील हुआ है दोस्तों, क्योंकि इस मूवी के अंदर जो वीएफएक्स का काम आपको देखने के लिए मिलेंगे वो हर जगह पर राइट नहीं है। यानी कि कुछ जगह पर वीएफएक्स का काम काफी अच्छा है और कुछ जगह पर काफी खराब है दोस्तों। दोस्तों बात करें इस मूवी के अंदर की एक्शन की, तो इस मूवी के अंदर आपको जो एक्शन देखने के लिए मिलेंगे वो काफी अच्छा है। अब अच्छा का मतलब यह नहीं कि भाई एक्शन जॉन विक की तरह एक्शन है, बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि इस मूवी के अंदर आपको छोटा मोटा जो एक्शन देखने के लिए मिलेंगे उसको काफी बढ़िया तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया है, जो कि पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा और उसको देखते टाइम एकदम रियलिस्टिक फील आता कि भाई हाँ असल में ये बंदा इसके साथ लड़ रहा है। वही बार बात करें कलाकार की एक्टिंग की, भाई इस मूवी के अंदर कलाकार ने जो एक्टिंग की है वो काफी रियलिस्टिक था। दोस्तों बात करें इस मूवी की फर्स्ट हाफ की, तो इस मूवी का जो फर्स्ट हाफ तो काफी अच्छा था, जहाँ पर आपको ड्रामा देखने के लिए मिलते हैं, उसके साथ साथ एडवेंचर और थोड़ी बहुत थ्रिलिंग मोमेंट्स भी। उसके साथ साथ इस मूवी की सेकेंड हाफ भी काफी बढ़िया था और जो क्लाइमेक्स रखा गया है वो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा दोस्तों, क्योंकि इस मूवी का जो क्लाइमेक्स था पूरी तरह से प्रेडिक्टेबल था, जहाँ पर आप पहले से अंदाजा लगा सकते हैं भाई हाँ असल में क्लाइमेक्स में ये होने वाला है। भाई ये फिल्म हिंदी में अवेलेबल नहीं है, ये फिल्म सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है और इस फिल्म का जो लेंथ है वो लगभग 1 घंटे 40 मिनट की है और इस फिल्म को पूरी फैमिली के साथ बैठकर आराम से देख सकते हो और इंजॉय भी कर सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो। दोस्तों ओवरऑल अगर देखें दी आइस रोड एक ऐसी मूवी है जिसे आपको एक बार देखने चाहिए दोस्तों, क्योंकि इस फिल्म को बार बार देखे ऐसे लाइक ये फिल्म नहीं है, एक बार देखो वही ठीक है। दोस्तों अगर आपने इस मूवी को ऑलरेडी देख लिया था तो आपको मूवी कैसी लगी थी वो हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो भाई ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। उसके साथ साथ इस मूवी का जो डाउनलोड लिंक है वो ऑलरेडी हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल कर दिया है। तो एक आज की वीडियो पसंद आए जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल बटन को जरूर प्रेस कर देना। आज के लिए बस इतना था, अगले वीडियो तक चलो, बाय बाय टाटा।